नमस्कार, आदाब, वड़कम और सत श्री अकाल दोस्तों। चलिए आज देख लेते हैं मूली की ये झटपट सब्जी। तो इसके लिए आपको दो मूली लेनी पड़ेगी। टेक टू रेडिश, टेक ऑफ द स्किन, उसका आप छिलका उतार लीजिए और उसको घस लीजिए। जस्ट ग्रेट देम एंड स्क्वीज आउट द वाटर। इसका पानी निचोड़ के आप निकाल लीजिए और इस तरह से इसको दबाव देते हुए इसका पानी निकाल लीजिए। जस्ट प्रेस जेंटली एंड टेक आउट द वाटर एंड रिमूव देम एंड देन प्लेस इट ऑन वन प्लेट। दिस रेसिपी इज़ ब्रॉट टू यू बाय माय मदर इन लॉ। शी इज़ एन ऑसम कुक एंड दिस रेसिपी इज़ वेरी फेमस इन बंगाली। आई एम श्योर दैट यू लाइक इट बिकॉज इट कुक्स इन मिनट्स एंड यू विल डेफिनेटली लव इट। तो इसके बाद हम एक कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। आप कढ़ाई, नॉन स्टिक पैन और तवा कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें आप थोड़ा तेल ऐड कीजिए। मूली में ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट इफ़ यू ऐड लिटिल मोर ऑयल इट विल बी नाइस बिकॉज इट विल सोक अप इमीडिएटली। सो दिस इज़ जस्ट लिटिल ऑयल, यू कैन रिड्यूस, यू कैन ऐड ऑलिव ऑयल और एनी ऑयल। दिस इज़ रिफाइंड ऑयल। ऐड अ बे लीफ, तेज पत्ता और सादा जीरा, क्यूमिन सीड्स। Let them splutter. Once they are spluttering, you are going to add this radish, mooli, which we have grated and squeeze out the water. Fry them for some 10 minutes on medium flame and then just increase the flame and fry it on high flame. So add salt and turmeric as per your taste. Do not add more salt when you are adding it the first time. पहले आप थोड़ा कम नमक दीजिए, फिर आपको चाहिए तो आप उसको ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि आपने अगर पहले ज़्यादा नमक दे दिया है तो आप बाद में से कम नहीं कर पाएंगे। तो जस्ट स्प्रिंकल लिटिल वाटर सो दैट दिस थिंग विल गेट मिक्स प्रॉपरली एंड ऐड लिटिल शुगर, 1 tablespoon. दिस विल बैलेंस द फ्लेवर्स एंड दिस विल टेस्ट गुड इफ यू ऐड लिटिल शुगर। सो येस, गिव इट अ गुड मिक्स फॉर अनदर 10 minutes इन मीडियम फ्लेम। देन वी विल बी एडिंग 4 green chilies. वी आर नॉट एडिंग एनी चिली पाउडर हेयर, so we are adding green chilies. Green chilies increases the flavors in it and if you want to add more spicy aap zyada bhi dal sakte hain. Aap isko dhak ke pakaiye ya khule aanch mein pakaiye, aapki marzi hai. Then you can add little peas. This will give a good color and this will dish out nicely. Aur isko aap fir khule aanch mein on high flame just cook it for 5 more minutes and it's ready to be dished out. Please, please subscribe to my channel and stay tuned to the Tinkas. Thank you so much guys. See you in my next video. और हाँ, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब इसी तरह से टिंकास के साथ जुड़े रहिए एंड कीप शावरिंग योर लव। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन।